अबे वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है, ब्रूस लीका नाना है, लास्ट एक्शन हीरो है वो। जानिए क्या है सलमान की फिल्म राधिका वांटेड के साथ कनेक्शन। इस ईद भाईजान ने अपने फैंस को क्या तोहफा देने जा रहे हैं? फिल्म राधिका टक्कर किस फिल्म से होने जा रही है? हम जब बात बॉलीवुड में बनी फिल्मों की करते हैं तो जो नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो नाम है सलमान खान। वही दबंग के सलमान खान जो चुलबुल पांडे बनकर कॉमेडी करते हैं, तो वही अपने दबंग अंदर में एक्शन करते नजर आते हैं। जब बात सलमान की फिल्मों की होती है तो जब भी सलमान अपनी किसी नई फिल्म का अनाउंसमेंट करते हैं, उनके फैंस सोशल मीडिया से लेकर मूवी हॉल के टिकट में धूम मचा देते हैं। सलमान ने अपनी नई फिल्म राधे का अनाउंसमेंट पिछले साल में ही की थी। ये फिल्म पिछले साल अक्षय कुमार के लक्ष्मी के साथ रिलीज होने वाली थी और सलमान और अक्षय के बीच एक सोशल मीडिया वार भी चालू हो गई, जो कि सीधा बॉक्स ऑफिस की कमाई के साथ ही रुकने वाली थी। पर देश में हुए कोरोना महामारी के कारण ये टाल गया। इसी के वजह से कहा अक्षय ने अपने मूव लक्ष्मी हॉटस्टार पर रिलीज किया, वही सलमान ने अपनी मूवी रिलीज डेट टालकर 2021 कर दिया था। राधे द मोस्ट वांटेड भाई फिल्म का इंतजार सलमान खान के फैंस पिछले दो सालों से बेसब्री से कर रहे हैं। आखिर उसकी रिलीज डेट सलमान खान ने अनाउंस कर ही दिया। इस ईद 13 मई 2021 को भाईजान की फिल्म राधे द मोस्ट वांटेड भाई बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। सलमान ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर कर इस बारे में जानकारी दी है। सलमान की दी राधे का कनेक्शन साल 2009 में आई उनकी फिल्म वांटेड से किया जा रहा है। हालांकि सलमान खान ने इससे साफ इनकार कर दिया, पर वांटेड की सक्सेस और लेगेसी को छोड़ना थोड़ा मुश्किल लगता है। वहीं पर इस फिल्म में भी सलमान का नाम राधे ही है। जब बात राधे नाम की करते हैं और उसका लिंक सलमान से हो तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में दो फिल्मों का नाम आता है। पहला तेरे नाम, दूसरा वांटेड साल 2003 में रिलीज हुई थी, जो युवाओं को काफी पसंद आई थी। जी हाँ, ये वही फिल्म थी जिसने सलमान के डूबते करियर को सहारा दिया था। सलमान रातों रात राधे के नाम से मशहूर हो गए थे। उस दौर के युवा सलमान के हेयर स्टाइल से प्रेरित होकर वैसे ही बाल कटवाने लगे थे। इस फिल्म में सलमान खान के साथ भूमिका चावला नजर आई थी, जो उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म में पागल आशिक के किरदार में सलमान ने खुद को ऐसे ढाला कि आज भी लोग तेरे नाम को उनकी बेहतरीन फिल्मों में शुमार करते हैं। इस फिल्म ने उस दौरान कमाई के कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। इस फिल्म के लिए रवि किशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस फिल्म की कहानी बाला ने लिखी थी, जो तमिल वर्षन के निर्देशक भी थे। कहा जाता है कि तेरे नाम की कहानी बाला के एक दोस्त की असल जिंदगी से प्रेरित थी, जो एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं और बाद में उनके मेंटल असाइलम में जाना पड़ता है। यही तेरे नाम से बिल्कुल अलग वांटेड में भी सलमान का नाम राधे था और उस फिल्म में वांटेड में सलमान ने फुल एक्शन धमाल मचाया था। साल 2009 में फिल्म वांटेड के बाद सलमान की किस्मत ऐसी पलटी कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वांटेड 18 सितंबर 2009 को ईद पर रिलीज हुई थी। फिल्म वांटेड को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था। 2009 में बॉलीवुड में अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे प्रभु देवा ने सलमान के साथ वांटेड बनाई थी। महेश बाबू की ब्लॉकबस्टर तेलुगु एक्शनर पोकिरी का रीमेक थी। वांटेड की तरह इस सलमान इस फिल्म में भी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। माना जा रहा है कि फिल्म राधे कोरियन फिल्म द आउटलेज का बॉलीवुड वर्जन है, जिसमें सलमान खान एक्शन और मैजिक दर्शकों को देखने मिलेगा। फिल्म राधे द मोस्ट वांटेड भाई 14 मई 2021 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसके बाद OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर इसका प्रीमियर होगा। अपडेट फिल्म सत्यमेव जयते 2 की रिलीज डेट फिक्स कर दी गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए जॉन अब्राहम ने ये घोषणा की है कि फिल्म इस साल ईद के दिन यानी 14 मई को रिलीज की जाएगी। वही राधे भी इसी दिन रिलीज होने वाली है।
ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान और जॉन अब्राहम की ये फिल्में जब पर्दे पर भिड़ेगी तो दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार किस फिल्म को मिलता है। सत्यमेव जयते 2 2018 में आई फिल्म सत्यमेव जयते का सीक्वल है जो भ्रष्टाचार पर आधारित थी। सत्यमेव जयते 2 की कहानी लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक मिलाव जावरी फिल्म के बारे में कहते हैं कि जॉन ने इस फिल्म में जो एक्शन सीन्स किए हैं सीक्वल स्क्रीन पर उन्होंने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया। निर्देशक के हिसाब से ये फिल्म पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बेहतर होने जा रही है।